दोस्तों अनुपमा सीरियल में अनुज और अनुपमा के रिश्ते में दूरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। अनुपमा को दुखी देखकर अब दर्शक भी दुखी होने लगे हैं। फैंस को उम्मीद ये थी कि अनुज और अनुपमा एक साथ हो जाएंगे। मेकर्स ने नया प्रोमो शेयर किया है। प्रोमो को देखने के बाद फैंस मेकर्स पर गुस्सा तक उतार रहे हैं। दरअसल मेकर्स ने अनुपमा का नया प्रोमो जारी करते हुए बताया कि अप्रैल में क्या नया दिखने वाला है। प्रोमो में अनुपमा कहती है कि मेरा और अनुज का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। इस प्रोमो को देखने के बाद अब जो फैंस है टीवी सीरियल के, उनका इस टीवी शो से भरोसा उठने लगा है। कई यूजर्स ने ट्विटर पर लिखा है कि मेकर्स टीआरपी के लिए कुछ भी कर रहे हैं। इसके अलावा फैंस ने लिखा कि इस शो को दिखाना बंद करो। कई यूजर्स तो इस शो को बोरिंग का टैग भी दे रहे हैं। दोस्तों टीवी सीरियल में देखा जा रहा है कि अनुज अपनी बेटी की वजह से माया के साथ रहना शुरू कर चुके हैं। उसे छोटी के आगे कोई नहीं दिख रहा। अनुपमा की माँ और उनका भाई भावेश उनका सहारा बने हुए हैं। अनुपमा की माँ अनुज को वापस लाने के लिए माया के घर जाती है, लेकिन अनुज आने से मना कर देता है। वो कहता है कि माँ अनुपमा से कहना कि अनुज के नाम का चैप्टर क्लोज कर दे। अनुज को लगता है कि अनुपमा ने छोटी को रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो उसकी अपनी बेटी नहीं थी। अनुपमा की वजह से वो अकेला हो गया और उसके पास पूरा परिवार है। दोस्तों अब आपको क्या लगता है अनुपमा के इस नए प्रोमो को देखने के बाद? आप भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। स्टे ट्यून्ड। गुड बाय।